हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक गोस्वामी, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी अनिसा रांगर की माँ और केसर पवार और सभी होटल लाइन वालों का, ये तीन लोगों का भयंकर मुद्दा चल रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अनिसा रांगर की माँ ने होटल वालों को और उनकी माँ बहनों पर ऐसे गंदे गंदे और इतने भद्दे भद्दे आरोप लगाए थे। तो उस पर ऋषिकेश की महिलाएँ काफ़ी भड़क चुकी थी, पूरा दल के साथ अनिसा रांगर की माँ पे टूट पड़ी है। ऋषिकेश की महिलाओं का कहना है, जब तक अनिसा रांगर की माँ हमारे सामने घुटने टेक के और अपनी नाक रगड़ के माफ़ी नहीं मांगेगी, तब तक हम उसको माफ़ करने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, हम केसर पवार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बस हमारी लड़ाई इस बात की है कि उसने होटल वालों को और उनकी माँ बहनों को गलत बोला है, और अनिसा रांगर को और उसकी माँ को और उसके बाप को सामने आके पब्लिक से माफ़ी मांगनी पड़ेगी ऑन मीडिया के सामने, तो तभी जाके पब्लिक माफ कर सकती है, अन्यथा माफ करने लायक है भी नहीं। आइए हम आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाते हैं। आप सभी लोगों तय मेरे प्रणाम और जन की जो वीडियो वायरल होनी अनिसा की माँ की, तो पहले भी मैंने वीडियो का जरिया जो भी ते थे समझाई समझण तो खैर से ते नींद तो आज महिला सब कट्ठी हुई ये अपने सवाल ते से पूछ ली, क्योंकि सही अच्छा नहीं, हम तो घर पर जाना तैयार था लेकिन यक नींद से ठीक है। तो ये लोग सब अपनी बात रख ला और आप लोग भी अपने सहयोग बनाए ताकि भविष्य में कोई भी होटल वाले टारगेट ना करो। आप सभी भाई बंधु खड़ी प्रणाम से। अरे हमका जो अनिसा रांगर की माँ बहन बोली जो शब्द बोली नहीं गलत बोली, और हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने। हमसे तीन शब्द हुआ पिछलियो मीडिया के सामने हम माफी मांगो, और पुलिस भी हमने दगड़ में लियो ना का घर पर जो तीन रिस्क लेडीज कम बोले वो सब गलत हुए, और हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने। जन जय हिसाब से कुछ कुछ और कुछ कुछ भाई बोले कुछ कुछ नाम लियो लिस्ट रखो, बस हम सबसे पहले हम सारे आए यहाँ लेडीज है। ये लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बहुत सारे लोग दे रहे दोनों बिटेन भी आने वाला थे, लेकिन हम उन्हें अभी बोले कि जब से यह घरे नहीं तो हम इतना भीड़ इकट्ठी करी थे कोई फायदा नहीं। अब कुछ लोग छा दुई चार लोग जो तीन का सपोर्ट में होना से छा बोलना की बलतीन माफी मांग लेते, हम ते वीडियो दिखावा जय मतीन इन बोले की ऋषिकेश पर्सनल तीन ऋषिकेश औरत टारगेट जानकारी, और सब बताओ कि को औरत है काम छा का नहीं। हम जब तक तीन ये को जवाब देने तब तक हम चुप बैठने वाला नहीं, बिल्कुल ना छोड़ेंगे नहीं तुझे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, छोड़ी माफ नहीं करेंगे। अरे एक तीन सब बोले कि बर्तन धो रहे वो हमारे बर्तन धो, हम उसके घर पे बैठेंगे हमारे आदमी कुछ भरनगर को देखा उसने मुजफ्फरनगर जाते हुए बोले वो मुजफ्फरनगर जाते हैं और जिसकी लाश वहाँ मरते हैं और उसकी लाश वापिस नहीं आती। अरे भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो, हमारे भाइयों के साथ ऐसा ना हो, किसी के साथ बहुत मिर्च लग रही है, मतलब दर्द हो रहा हमको कि ऐसा किसी के साथ ना हो। कोई वो ऐसे गलत शब्द बोल रहे हैं, गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हम बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमसे का रांगड़ हो गया, उसकी माँ हो गया, उसका बाप हो गया, हम तीनों को तीनों उसके बाप भी गंद लवज में बोले उसकी माँ आ रही वो हमसे का रांगड़ है, उसका बाप भी आना चाहिए आगे, बिल्कुल हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें। अभी तो हम इतने 150 लोग हमारे साथ खड़े हैं, अभी हम केवल हम बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। वो बोल रहे की माफी मांगी, ऐसे माफी मांगने से नहीं होगा, अगर तुमने इंसान को मार दिया उसके बाद बोले की माफ हो गई, वो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं है। सारी लेडीजों को लपोड़ दिया उसने कि इस केस में धंधा होटल वाले ऐसे हैं, होटल वाले वैसे, चलो उसने बोल दिया तो ढंग से बोलती ना ना, बिल्कुल हम को नौकरी दे दे यहाँ, हम नहीं भेजेंगे उनको बाहर, कहीं नहीं भेजेंगे, नौकरी दे दे हम हमारे हस्बैंड को दे दे नौकरी, हमको सरकारी नौकरी दे दे वो यहाँ, और हम कहीं नहीं भेजेंगे हमारे बच्चों को भी, बल्कि बर्तन उसकी बीवी के लिए ऐसा बोल रही है कि वो धंधा कर, उसके बीवी के लिए बोलेंगे वहाँ चले कुछ भी कर रहे होंगे, अपनी मेहनत की कमाई कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। अरे हम इतने दम रखते हैं, हम इतने दम रखते हैं, हमारे पति तीन तीन साल में आ रहे हैं, हम मकान
मकान अपना बना रहे हैं, घर में घर चला रहे, हमको सारी चीजें, वो तो सब्जी भी लाते, पति जी सब्जी लाना है, हमने सब्जी बनाने, रोटी आटा भी लाओ तुम, ये सब चीज हम तो सारे अपने दम पे कर रहे हैं, सारे काम पूछो जरा, सारी लेडीज होटल वाले ही चला रहे हैं, होटल वाले एक है, होटल वाले एक है, आज हम 25 लेडीज हैं, कल हम 150 होंगे, याद रखना इस मैसेज को, उसको भी बता मेरे के साथ हम लोगों के सामने आएगी तब उसको माफी मिलेगी, जो भी हमारी ना माफी से नहीं होगी, सोशल मीडिया पे डाल के नहीं होगा, घर पे जाके छोड़ेंगे नहीं, घर पे वही नहीं जानती है, सोशल मीडिया पे फेमस होना, समझ गए ना, आ रहे हैं तो ढंग से आओ, उसमें नहीं आना है तो मत आओ, ऐसे अशब्दों का प्रयोग मत किया, गाँव में क्यों छुपी है, क्यों नहीं आ रही हूँ यहाँ, सामने आओ, सामने आके माफी मांग मीडिया की, हम अलीसा के लिए तो उन्होंने ऐसे ऐसे गंदे गालियां दे दी, इसमें सपोर्ट में हम प्यार भी आज तक, क्योंकि सके की बेटी हमारे भी बोला, बेटी जाने हम बिल्कुल देंगे, गलत नहीं बोल रहे, लेकिन जो अनिसा की मान जो शब्द प्रयोग करें, माफी लायक बिल्कुल 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 हम कर ही नहीं सकते, हम छोड़ेंगे नहीं, हो वो कोई भी हो, चाहे अनिसा रांगड़ो गलत बोलेंगे तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, मीडिया के सामने माफी मांगेंगे, मीडिया के सामने, पुलिस वालों के सामने, हमारे सामने, हमारे हाथ पांव में पड़ जाएगी तीनों बाप, तब जाएंगे हम, अनिसा रांगड़ो बाप कछ मत दिखे नहीं, वो कर रहे हैं औरतों के लिए, कैसे बोल रहे हैं कि वो रंडिया, उनको तमीज नाम की चीज जरा ना हमारे सामने आए, उनको शब्दों में छाए नहीं था, तेंगा सिर्फ एक दूत है कि हम तो यन सुनी की तीन बोली की ऋषिकेश में तुम अब मास्तबल बैर बर्तन धोना तो की जनानी पर ऋषिकेश में यह उल्टा काम का नहीं, लेकिन ऋषिकेश में तो हम भी उन्होंने इतना लेडीज आने ये तो कभी और बेटी नहीं आई ऋषिकेश, अभी 150 लेडीज कठित है, लेकिन हम बोले कि इतना अभी हम कठी कर ही नहीं, सब लोग होना तैयार था, अगर हम लोग सब सड़कों पर उतरी गए ना, तुम्हारे पैर निकल मुश्किल हो जालो, नियम तो बहुत बड़ी संस्कृति, संस्कृति बता रही तो संस्कृति बता रही, आज हमारे तो तीन हमारे जोड़ा नहीं फेसबुक पे, लड़के के साथ सगाई कर रही है, कोई नियम है, दूसरों पे उंगली उठा, जब तक घुटने टेक के माफी नहीं मांगी, ऋषिकेश जब तक तुम टॉयलेट में माफी नहीं मांगी तब तला बिल्कुल नहीं, स्पेशल जतन ऋषिकेश की लेडीज ना, स्पेशल तो इन बोले दोनों जनों ने माफी नहीं मांगी ना तब तक छोड़े। दोस्तों फाइनली आपने छोटी सी वीडियो देख ली होगी, और जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे ऋषिकेश की महिलाओं ने अनिसा रांगड़ की माँ पे धावा बोल दिया है, और उनका कहना है कि उनका साफ साफ कहना है कि जब तक अनिसा रांगड़ की माँ सामने आके घुटने टेक के अपनी नाक रगड़ के माफ़ी नहीं मांगेगी और हम माफ़ी नहीं करेंगे, और उनका कहना ये भी है कि अनिसा रांगड़ की माँ घर पर छुपी पड़ी है और बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही है, शायद वो घर में है या फिर कहीं और अंडरग्राउंड हो चुकी है, मुझे तो नहीं लगता कि वो घर में होगी, अगर घर में रहती तो सभी लोग घर पर जाते, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि वो घर में है, वो गई कहीं अंडरग्राउंड हो चुकी है, क्योंकि उसने जो जो उसमें बोल तो दिया लेकिन अब उसकी अच्छी तरह से फट चुकी है। मैं उन सभी महिलाओं से और उन सभी होटल लाइन वालों से ये कहना चाहता हूँ, उसे आसानी से माफ नहीं करना है, और उसको घुटने के बल और उसको नाक रगड़वाना है अपने पैरों पे, तभी जाके सब लोग उसे माफ करेंगे, और आगे से वो ये चीज करने से पहले, ये चीज बोलने से पहले, ये चीज सोचने से पहले 10 बार सोचें। बस दोस्तों आज की वीडियो पे इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए बाय बाय।